नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सरकारी नौकरी login.com आपके पास फिर लेकर आई है एक और रिक्रूटमेंट की सूचना। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट, जिसके लिए सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज ट्रेनिंग, जिसके लिए जूनियर और सीनियर फेलो वैकेंसीज है 400 पोस्ट की, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2018। नीचे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हुए दूसरे वैकेंसी डिटेल्स के तरफ। जूनियर फेलोशिप के लिए जो है पोस्ट का नेम, नंबर ऑफ वैकेंसी है 200 और 10,000 रुपये आपको हर महीने मिलेगा सैलरी के तौर पे। सीनियर फेलोशिप के लिए 200 पोस्ट ही खाली है, लेकिन 20,000 रुपये मिलेगा हर महीने आपको सैलरी के तौर पे। एलिजिबिलिटी जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए, वो है जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप के लिए आपको एजुकेशनली ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। जूनियर के लिए 25 से 40 साल होना चाहिए 1 अप्रैल 2018 के हिसाब से, और 40 साल सीनियर के लिए होना चाहिए 1 अप्रैल 2018 के लिए के हिसाब से। आपसे इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जा रही, और इसका इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख पा रहे हैं 18 सितंबर इसका स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की, और लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2018। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप देख रहे हैं तीनों लिंक्स, हम जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंक्लूड किया है, ताकि आप उन तक आसानी से पहुँच पाएँ। हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे अप्लाई करें आप इस वैकेंसी के लिए, तो यहाँ पर एक वेबसाइट देख रहे हैं indiaculture.nic.in। वहाँ पर अगर आपने 16 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लिया है तो आप इसके लिए एक वैलिड कैंडिडेट हैं। आप इसमें अप्लाई करने के बाद आपको वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंटेड कॉपी और सारी इन्फॉर्मेशंस एक एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा, जो कि है डायरेक्टर CCRT 15A सेक्टर 7 द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में होगा, और आपका सिलेक्शन आपके इंटरव्यू पे निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।